आज की वीडियो में दोस्तों करते हैं कंपैरिजन दो ऐसे स्मार्टफोन्स के बीच में जो अंडर 15K में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये है Realme 11X जिसका वीडियो अभी हाल ही में हमने अपलोड किया। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको देखने को मिल जाता है 14,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे, 6GB रैम 128GB वाला वेरियंट। एंड सेकंड है हमारे पास Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi 12 5G, इसका 6GB रैम 128GB वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 13,500 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। तो दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में जस्ट 500 से 1,000 रुपीज का प्राइस गैप है। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए आज की वीडियो में जानते हैं। So let's get started। And उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर यहाँ पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन एंड लुक्स की। Redmi 12 5G को देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है ग्लास बैक जिसको Xiaomi कहता है क्रिस्टल डिजाइन। एंड ये गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। यहाँ पे आपको मिलता है प्लास्टिक का फ्रेम और बैक से अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल टाइप नजर आता है, बट यहाँ पे एक आपको फ्लैश लाइट मिलती है। तो कुछ आईफोन टाइप की डिजाइन देने की कोशिश की गई है। बाकी इन हैंड फील स्मार्टफोन की थोड़ी सी आपको बड़ी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे 6.79 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। अगर हम बात करते हैं Realme 11X की तो भाई यहाँ पे आपको मिलता है प्लास्टिक की बैक और प्लास्टिक का ही फ्रेम, बट यहाँ पे जो आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है बैक पे वो काफी बड़ा नजर आता है जिसके अंदर दो आंखें आपको घूर रही होती हैं। तो ये काफी यूनिक सा डिजाइन है जो आपको Realme 11X में मिलेगा। बाकी साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.72 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, तो यहाँ पे भी जो इन हैंड फील है थोड़ी सी बड़ी मिलती है। बाकी ओवरऑल डिजाइन एंड लुक्स में मेरे हिसाब से जो Redmi 12 5G है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम नजर आता है क्योंकि वहाँ पे ग्लास बैक दी गई है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है डिजाइन एंड लुक्स में आपको कौन सा अच्छा लगता है। दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा चमकते हैं। बाकी पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो यहाँ पे हाइलाइटिंग पॉइंट ये है कि Realme 11X के अंदर आपको डुअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है, तो आप एक ही टाइम पे दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड को लगा सकते हैं। वहीं बात करें Redmi 12 5G की तो यहाँ पे हाइब्रिड सिम ट्रे आती है, प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर है IR ब्लास्टर का, तो आप अपने अप्लायंसेस को रिमोट कंट्रोल के तौर पे भी यूज कर पाएंगे स्मार्टफोन यूज करके। बाकी दोनों स्मार्टफोन्स में सिंगल स्पीकर बॉटम पे दिया गया है। बाकी लाउडनेस की बात करें तो Realme 11X का जो स्पीकर है थोड़ा सा ज्यादा लाउड है Redmi 12 5G के मुकाबले में। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं तो Redmi 12 5G में मिलता है 6.79 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डॉट डिस्प्ले पैनल। ब्राइटनेस लेवल्स मिलते हैं 550 निट्स के, टच सैंपलिंग रेट आता है 240 हर्ट्ज का। ब्राइटनेस की जहां तक बात है तो आउटडोर कंडीशंस में थोड़ा सा ये कम विजिबल रहता है क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो डायरेक्ट सनलाइट में अगर फेसिंग करके यूज करेंगे तो शायद वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम मिले। बाकी कलर्स वगैरह काफी अच्छे निकल के आते हैं, डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी का है। यूट्यूब के ऊपर आप यहाँ पे प्लेबैक कर पाएंगे फुल HD रेजोल्यूशन पे ही। Realme 11X के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको 6.72 इंच का डायनेमिक अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले और ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो कि ज्यादा है एज कम्पेयर टू Redmi 12 5G। यहाँ पे जो ब्राइटनेस लेवल्स है मैक्सिमम जाते हैं 680 निट्स तक। यहाँ पे जो टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा 180 हर्ट्ज का मिलता है। टच सैम्पलिंग रेट के मामले में Redmi 12 5G ज्यादा बेटर है। बाकी कलर्स वगैरह यहाँ पे भी काफी अच्छे निकल के आ जाते हैं और खास बात यह है कि यूट्यूब के ऊपर आप यहाँ पे 1440p के रेजोल्यूशन पे वीडियोस को देख सकते हैं जबकि Redmi 12 5G पे जस्ट फुल HD रेजोल्यूशन ही अवेलेबल था। तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में मेरे हिसाब से Realme 11X ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो स्मूथनेस आपको यहाँ पे ज्यादा बेटर मिलेगी स्मार्टफोन के अंदर। बट एक चीज है कि Realme 11X के अंदर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो है 120 हर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करती हैं। 120 हर्ट्ज पे रिफ्रेश रेट जो है वो जस्ट UI के अंदर काम करता है। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो Realme 11X के अंदर दिया गया है MediaTek Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट, 6GB RAM 128GB का स्टोरेज मिल जाता है। RAM आती है LPDDR4X की, स्टोरेज के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। AnTuTu सोर्स की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं 4,20,000 के अप्रॉक्स। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर काफी ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस Realme 11X के अंदर मिलती है। पूरा आपको ग्रीन कलर का ग्राफ शो होता है, कहीं भी ये हीट नहीं करता है। गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्रा FPS का ऑप्शन अनलॉक्ड है BGMI के अंदर। स्मूथ पे गेम प्ले करेंगे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एंड गेम प्ले हमने भी यहाँ पे करके देखा है, हमें कोई ऐसा खास लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। आधे घंटे तक हमने यहाँ पे टेस्टिंग करी थी और बढ़िया चीज ये थी कि भाई हीट भी नहीं कर रहा था ये फोन। वहीं बात की जाए Redmi 12 5G की तो यहाँ पे देखने को मिलता है Snapdragon 4 Gen 2 का प्रोसेसर जो कि इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के देता है। रैम यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको 6GB और स्टोरेज मिल जाएगा 128GB का। बाकी यहाँ पे 8GB रैम 256GB का स्टोरेज भी अवेलेबल है। स्टोरेज यहाँ पे दी गई है UFS 2.2 की। AnTuTu स्कोर्स में Redmi 12 5G ज्यादा बेटर निकल के आता है। 4,30,000 4,40,000 तक के भी स्कोर देखने को मिल जाते हैं जो कि थोड़े से ज्यादा है Realme 11X के कंपैरिजन में। और थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर भी यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ जाती है। गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो Redmi 12 5G के अंदर भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे BGMI की टेस्टिंग करके देखी और यहाँ पे भी कोई हीटिंग वगैरह नहीं आती है, यहाँ पे कोई लैग वगैरह भी देखने को नहीं मिलता है। तो आप अगर स्मूथ पे गेम प्ले करना चाहते हैं और हाई सेटिंग्स पे भी करना चाहते हैं तो Redmi 12 5G के अंदर आप कर पाएंगे। बाकी डे टू डे परफॉर्मेंस के अंदर जो Redmi 12 5G है यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है क्योंकि जो प्रोसेसर है Snapdragon 4 Gen 2 वो काफी ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज किया हुआ है Redmi 12 5G के अंदर। हमारी टेस्टिंग में थोड़े बहुत लैग वगैरह देखने को मिले थे Realme 11X के अंदर Redmi 12 5G के कंपैरिजन में। बाकी परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। Realme 11X के अंदर मिलता है Realme का UI 4.0 और ये Android 13 पे वर्किंग है। एंड एक नेगेटिव चीज ये है कि जो उसका सॉफ्टवेयर है यहाँ पे काफी सारे आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, काफी सारे यहाँ पे भाई फालतू के एप्लीकेशन, हॉट एप्स, हॉट गेम्स के नाम से भाई फोल्डर भी बने हुए हैं।
हैं, इवन आपको सेटअप प्रोसीजर के टाइम पे भी काफी सारे एड्स दिखाए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है उतना खास नहीं देखने को मिलता है रियलमी 11X के अंदर, क्योंकि एड्स बहुत सारे आते हैं, इवन लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आपको एड दिखाए जाते हैं। रेडमी 12 5G की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है MIUI 14 और एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे अगर ब्रॉडबेस देखें तो उतने ज्यादा नहीं नजर आएंगे अगर आप रियलमी 11X को कंपेयर करते हैं। लॉक स्क्रीन पे भी कोई एड वगैरह नहीं आते हैं, थोड़े बहुत तो आपको एप्लीकेशन मिलेगी जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, स्नैपचैट और वो डेली हंट वगैरह, बट उतनी सारी एप्लीकेशन नहीं है जो रियलमी 11X के अंदर दी गई है। तो जो यूजर एक्सपीरियंस है ना वो रेडमी 12 5G के अंदर ज्यादा बेटर मिलता है। तो कंक्लूजन पे देखें तो परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में रेडमी 12 5G बीट करता है रियलमी 11X को। थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी रेडमी 12 5G में। कैमरा बहुत अच्छा है भाई रियलमी 11X का, ताली बजनी चाहिए। अब बातचीत कर लेते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। रेडमी 12 5G में क्या मिलता है? अच्छा सॉरी, माय फॉल्ट, आई एम सॉरी, रेडमी 12 5G, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सॉरी सॉरी मैन, यू आर राइट। रियलमी 11X के अंदर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो स्ट्रीट फोटोग्राफी सेंसर है। सेकेंडरी कैमरा दिया गया 2 मेगापिक्सल का फॉर पोर्ट्रेट शॉट्स। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप रियर कैमरा से कर सकते हैं 1080p 30fps में रिकॉर्डिंग। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8MP का दिया गया जो कि AI सेल्फी कैमरा है। वीडियो के मामले में यहाँ पे भी आप 1080p 30fps की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। एंड पर्सनली मैं यहाँ पे कहूंगा भाई रियलमी 11X के अंदर आपको काफी बढ़िया डिटेल्स एंड क्लैरिटी देखने को मिलती है शॉट्स के अंदर। डे लाइट में काफी सारे भर भर के यहाँ पे शॉट्स आपके लिए लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह की फोटोज निकल के आ रही हैं। सैचुरेशन वगैरह डायनेमिक रेंज काफी अच्छे से मैनेज करता है और जो ह्यूमन की स्किन टोन है ना वो भी काफी हद तक नेचुरल आती है। इवन पोर्ट्रेट शॉट्स की भी अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो है उसको फोकस में रखता है, इवन अगर आपके पास दो सब्जेक्ट भी हैं उनको भी ये फोकस में रख लेता है। बाकी नाइट शॉट्स भी मुझे रियलमी 11 से काफी अच्छे लगे। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080p 30fps का ऑप्शन है, स्टेबिलाईजेशन नहीं मिलती है, तो एक आपको डिसेंट लेवल की रिकॉर्डिंग मिलेगी इसके रियर कैमरा से, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा रिकॉर्डिंग के मामले। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और यहाँ पे भी जो डिटेल्स वगैरह आ जाती है डेलाइटिंग कंडीशन में काफी बढ़िया निकाल देता है। पोर्ट्रेट वगैरह भी अगर आप लेते हैं ना फ्रंट कैमरा से काफी अच्छी नजर आएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे ठीक ठाक आ जाती है फ्रंट कैमरा से, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो लिया हुआ है। रेडमी 12 5G के कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, सेकेंडरी कैमरा मिलता है फॉर डेप्थ सेंसिंग 2 मेगापिक्सल का। वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं 1080p 30fps में, स्टेबिलाईजेशन यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग रेडमी 12 5G के अंदर भी आपको एक डिसेंट लेवल की मिलती है और बहुत ज्यादा शेकी वीडियोस ये निकाल के देता है। फ्रंट कैमरा यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का, वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर पाएंगे 1080p 30fps में। फोटोज की जहां तक बात है रेडमी 12 5G के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है तो आपको उतनी ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी जो आपको रियलमी 11X कैमरा में मिलती है। एंड डायनेमिक रेंज भी उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी रियलमी 11X के अंदर मिलती है, थोड़ी सी फ्लैट फोटोज ही आपको निकाल के देता है। सैचुरेशन वगैरह आपको थोड़ा सा हायर साइड पे रखना पड़ेगा एडिट करके अगर आप डायरेक्टली फोटोज को सोशल मीडिया पे यूज करना चाहते हैं। फ्रंट कैमरा के भी जो शॉट्स है ना वो यहाँ पे थोड़े से आपको नीचे की साइड मिलेंगे रियलमी 11X के कंपैरिजन में, हालांकि सेम सेंसर यूज किया गया है 8 मेगापिक्सल का, बट रियलमी 11X के अंदर ना कुछ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन करके कुछ उसकी जो डिटेल्स वगैरह है वो ज्यादा आपको हायर साइड पे मिलती है जो रेडमी 12 5G के अंदर कम नजर आती है। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं कैमरा के डिपार्टमेंट में तो डेफिनेटली रियलमी 11X एक बेटर कैमरा फोन आपके लिए रहने वाला है अंडर 15,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। बैटरी की बात करें तो आपको रियलमी 11X के अंदर मिल जाती है 5000mAh की बैटरी विद 33W सुपर वूक चार्ज। बैकअप आपको मिल जाएगा एक दिन का आराम से 6 to 7 hours का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे निकल जाता है। रेडमी 12 5G की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम साइज की बैटरी मिलती है 5000mAh की विद 18W फास्ट चार्जिंग। तो फास्ट चार्जिंग रियलमी 11X के अंदर 33W की दी गई है, वहीं रेडमी 12 5G में 18W की मिलती है। बैटरी बैकअप रेडमी 12 5G का भी आपको सिमिलर मिल जाएगा, एक दिन का बैकअप यहाँ पे आराम से निकल के आ जाएगा। तो दोनों स्मार्टफोन्स में से अगर आपको फास्टर चार्जिंग चाहिए तो रियलमी 11X के अंदर बेटर मिलेगी। सेंसर्स की बात कर लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएंगे रियलमी 11X एंड रेडमी 12 5G के अंदर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स दोनों स्मार्टफोन में यूज किया गया है और जो स्पीड्स हैं दोनों स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर की काफी अच्छी हैं। एक आपको एक्स्ट्रा सेंसर मिल जाता है रेडमी 12 5G के अंदर, IR सेंसर, जो आपको रियलमी 11X के अंदर नहीं मिलता। बाकी IP रेटिंग की बात करें तो रेडमी 12 5G में आपको मिल जाएगी IP53 की सर्टिफिकेशन, वहीं रियलमी 11X के बारे में कोई IP रेटिंग की इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की गई। कनेक्टिविटी के ऊपर आते हैं, रियलमी 11X के अंदर आपको 9 5G के बैंड्स मिलेंगे, Wi-Fi 5 का सपोर्ट दिया जाएगा, साथ में आ जाता है ब्लूटूथ 5.2, NFC यहाँ पे नहीं मिलेगा, कैरियर एग्रीगेशन सपोर्टेड है। वहीं बात की जाए रेडमी 12 5G की, यहाँ पे आपको मिलेंगे 7 5G के बैंड्स, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट, NFC यहाँ पे नहीं मिलेगा, कैरियर एग्रीगेशन ये स्मार्टफोन भी सपोर्ट करता है। स्पीड्स की जहां तक बात है रेडमी 12 5G के अंदर भले ही कम बैंड्स दिए गए हैं बट स्पीड काफी अमेजिंग निकल के आती है। जियो 5G हमने यहाँ पे टेस्ट करा और 500-600 mbps आराम से स्पीड जा रही थी, और सेम चीज रियलमी 11X के अंदर भी है, यहाँ पे तो हालांकि 9 5G के बैंड्स हैं, जियो की भाई यहाँ पे स्पीड टेस्ट में काफी अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए। तो कनेक्टिविटी में एज सच दोनों स्मार्टफोन्स में कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले, आप किसी के भी साथ जा सकते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए अगर आप एक बेस्ट बजट 5G फोन ढूंढ रहे हैं। सो मेरी यहाँ पे पिक रहने वाली है रियलमी 11X के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी जबरदस्त
कैमरा देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ मिलेगा और बैटरी में भी आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। वहीं अगर Redmi 12 5G की बात करें तो वहाँ पे उतना अच्छा कैमरा नहीं है और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल दिया गया है। जस्ट वहाँ पे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा एज आपको मिलता है Realme 11X के कंपैरिजन में। एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में भी मैं ये कहूंगा कि Redmi 12 5G के अंदर ब्लोटवेयर वगैरह कम मिलते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये सजेशन है कि आप Realme 11X के साथ जाइए अगर आप एक अंडर 15,000 में बेस्ट बजट सेगमेंट के लिए 5G फोन ढूंढ रहे हैं। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप Redmi 12 5G के भी साथ जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ग्लास बैक का डिजाइन मिल जाता है, तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस भी डिफर करती है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इन दोनों में से कौन सा परचेज करेंगे अगर आपके सामने ये दो स्मार्टफोन्स रखे जाते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए क्वालिटी टेक वीडियोस बनाते रहें। फिर मिलते हैं आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इसी तरह हैव अ नाइस डे।